नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ सहकारी शिक्षण। सहकारी शिक्षण वाला जो ये टॉपिक है आपकी बीएड द्वितीय वर्ष की समावेशी विद्यालय के सृजन वाली बुक का टॉपिक है और इसके अलावा आपके फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक आता है। तो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी और बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए मेरा ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनो। तो आज अपना टॉपिक है सहकारी शिक्षण, कोऑपरेटिंग टीचिंग। सहकारी शिक्षण क्या है विद्यार्थियों? ऐसा शिक्षण जिसमें शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों की समान सहभागिता हो, ऐसा शिक्षण सहभागी, सहयोगी या सहकारी शिक्षण के नाम से जाना जाता है। आप सब जानते हैं विद्यार्थियों, शिक्षा के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। दोनों अगर समान रूप से सहभागी होते हैं तो अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। तो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में और छात्र की सुनिश्चितता और सहभागिता को प्राप्त करने में सहकारी शिक्षण जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। और आज हमारे विद्यालयों में सहकारी शिक्षण के माध्यम से भी विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो सहकारी शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षक व शिक्षार्थी की सहभागिता, दोनों की सहभागिता को ही हम सहगामी सहकारी शिक्षण के नाम से जाना जाता है। अब आता है श्री कृष्ण दुबे ने सहकारी शिक्षण की क्या परिभाषा दी है, तो देखिए, जिसमें शिक्षण व शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित हो। जैसे आपने देखा व्याख्यान विधि के माध्यम से शिक्षक जो है शिक्षार्थी को जो ज्ञान देता है, इसमें छात्र की सहभागिता बिल्कुल नहीं होती। पूर्ण सहभागिता केवल शिक्षक की होती है, शिक्षक जो है अपनी नॉलेज को विद्यार्थियों को देता है, लेकिन सहकारी शिक्षण में दोनों की सहभागिता होती है। और माध्यमिक कक्षा और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के कई टॉपिक्स को सहकारी शिक्षण के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो कृष्ण दुबे साहब कहते हैं जिसमें शिक्षण व शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित हो, ऐसा शिक्षण सहकारी शिक्षण के नाम से जाना जाता है, जिसमें सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनती है। मतलब मेन रोल है सहभागिता का शिक्षक व शिक्षार्थी के द्वारा, और इसी के कारण जो है शिक्षण प्रक्रिया क्या बनती है, प्रभावशाली बनती है और उद्देश्यपूर्ण बनती है। अब आती है आर के शर्मा ने सहकारी अधिगम की क्या परिभाषा दी है विद्यार्थियों। शिक्षार्थी का सहयोग प्राप्त करके उसको अनुभव कराना कि वह शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसे ही हम सहकारी शिक्षण कहते हैं। मतलब यहाँ पर है कि ऐसा शिक्षण प्रदान करना जिसमें छात्र को ये फील कराना है कि उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ऐसा शिक्षण सहकारी शिक्षण कहलाता है, ये परिभाषा दी आर के शर्मा ने। तो सहकारी शिक्षण की दो परिभाषाएं आपने सुनी, एक कृष्ण दुबे साहब की और एक आर के शर्मा साहब की। कृष्ण दुबे ने कहा कि शिक्षण व शिक्षार्थी की जहां पूर्ण सहभागिता है और सहभागिता के माध्यम से ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनती है, वही कहलाता है सहकारी शिक्षण। आर के शर्मा कहता है शिक्षार्थी का सहयोग प्राप्त करके उसको अनुभव कराना कि वो शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसे ही हम सहकारी शिक्षण के नाम से जाना जाता है। अब आता है उद्देश्य। सहकारी शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है विद्यार्थियों? दोनों को क्रियाशील स्थिति। सहकारी शिक्षण का सबसे मेन रोल यही है कि इसमें दोनों क्रियाशील रहते हैं, निष्क्रिय कोई नहीं रहता। जैसे व्याख्यान विधि में क्या होता है, शिक्षक क्रियाशील रहता है, छात्र क्रियाशील नहीं रहता है, लेकिन क्रियाशील बनाने के लिए वो छात्र से बीच बीच में क्या करता है, प्रश्न पूछता है, प्रश्नों का जवाब लेता है और सभी विद्यार्थी उसको सुनते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, शाम पट पर देखने के लिए विद्यार्थी को बार बार में कहता है, तो ये क्या है,
छात्र को भी क्रियाशीलता देना है, छात्र को भी सहभागी बनाना है, इसे ही हम सहकारी शिक्षण कहते हैं। तो सहकारी शिक्षण में दोनों को क्रियाशील स्थिति प्रदान की जाती है। उसके बाद है, छात्र को जो ज्ञान दिया जाएगा वो स्थायी ज्ञान होता है। छात्र क्रियाशील रहता है तो जो भी वो ग्रहण करता है वो उसकी स्थायी मेमोरी में चला जाता है। तो सहकारी शिक्षण के माध्यम से जो भी अधिगम अनुभव विद्यार्थी को प्रदान किए जाते हैं उसके स्थायी ज्ञान में वृद्धि होती है। तो छात्र के स्थायी ज्ञान को अधिक अच्छा करना सहकारी शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है विद्यार्थियों। अब आता है छात्र को उसकी महत्वपूर्ण स्थिति। मैंने आपको बताया सहकारी शिक्षण में छोटे छोटे समूह में विद्यार्थियों को बांटा जा सकता है, तो उनको अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए कहा जाता है। तो जब वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तो अपनी स्थिति को समझ पाते हैं, अब उनका स्थान कक्षा में क्या है वो सहकारी शिक्षण के माध्यम से ही विद्यार्थी को पता चल पाता है। उसके बाद है, कक्षा के नीरस वातावरण को, जब छात्र क्रियाशील होगा, जब टीचर क्रियाशील होगा तो छात्र का एनवायरनमेंट कक्षा का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होता है। तो कक्षा में कभी भी नीरस वातावरण नहीं रहता है। किसके माध्यम से? सहकारी शिक्षण के माध्यम से। तो सहकारी शिक्षण के माध्यम से शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील स्थिति में बने रहते हैं। सहकारी शिक्षण के माध्यम से छात्र को स्थायी ज्ञान प्रदान करना है। सहकारी शिक्षण के माध्यम से छात्र को उसकी महत्वपूर्ण स्थिति का ज्ञान करवाना है। छात्र कक्षा के नीरस वातावरण को दूर करना सहकारी शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। अब आता है सहकारी शिक्षण की विशेषताएं क्या है। तो देखो, शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। किसमें? सहकारी शिक्षण में। सहकारी शिक्षण में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। दोनों की सहभागिता भी अनिवार्य है। जहाँ कहीं भी शिक्षक व शिक्षार्थी की सहभागिता नहीं होती है वो शिक्षण सहकारी शिक्षण नहीं होता है। दोनों क्रियाशील अवस्था में रहने चाहिए, दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, दोनों की सहभागिता भी सहकारी शिक्षण में अनिवार्य होती है। उसके बाद होता है, शिक्षक इसमें क्रियाशील रहता है। क्रियाशील अवस्था में रहने के कारण ही इसे हम सहकारी शिक्षण के नाम से जानते हैं। सहयोग, इसमें क्या होता है, कक्षा में सब में सहयोग और सहभागिता, क्योंकि छोटे छोटे समूह बनाकर समस्याएं प्रदान की जाती है, सबको अपनी भूमिका दी जाती है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है। तो बालक क्या करता है, बालक में सहयोग की भावना और सहभागिता दोनों का, एक दूसरे की, सभी की सहभागिता से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। तो सबकी सहभागिता पर आधारित है सहकारी शिक्षण। तो सहकारी शिक्षण में सहयोग और सहभागिता होती है। उसके बाद आता है, प्रभावशाली व बोधगम्य रूप में प्रस्तुति। सहकारी अधिगम में सभी छात्रों की सहभागिता होती है, क्रियाशीलता होती है, तो जो अधिगम होगा वो प्रभावशाली होगा, बोधगम्य होगा। जिस उद्देश्य को लेकर के अधिगम कराया जा रहा है उस उद्देश्य की प्राप्ति जो होगी वो किसके माध्यम से हो सकती है, सहकारी अधिगम के माध्यम से हो सकती है। फिर आता है, श्रेष्ठ शैक्षिक प्रक्रिया, जिसमें छात्र क्या होता है, पूर्ण क्रियाशील अवस्था में होता है, वो होता है आपका सहकारी शिक्षण। तो सहकारी शिक्षण में दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है, दोनों की सहभागिता अनिवार्य होती है, शिक्षार्थी क्रियाशील अवस्था में रहता है, सहयोग और सहभागिता पर आधारित होता है, प्रभावशाली व बोधगम्य रूप में प्रस्तुति दी जा सकती है, श्रेष्ठ शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें छात्र जो है पूर्ण क्रियाशील अवस्था में रहता है। तो आज आपने सहकारी शिक्षण का अर्थ देखा। अर्थ में मैंने बताया जहाँ पर शिक्षक व शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद हमने दो परिभाषाएं देखी, कृष्ण दुबे और आर के शर्मा की, फिर उसके उद्देश्यों के बारे में और फिर उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करी। तो अब हम आगे आने वाले दिनों में
बीएड द्वितीय वर्ष और आगे आने वाले जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं उन सबके वीडियोस हमारे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर आते रहेंगे। तो आप इसके लिए हमारे स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और उन वीडियो के माध्यम से अपनी विद्वता को बढ़ा सकें। इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।